पिछले पीरियड में हमने त्रिकोणमिति फलन और उसके अंतर्गत सम फलन एवं विषम फलन के विषय में अध्ययन किया था। आज हम त्रिकोणमिति सर्व समीका के विषय में अध्ययन करेंगे। सर्व समीका, तो जब कोई बीजी व्यंजक उसमें आने वाली चर राशि के सभी मानों के लिए सत्य होता है तब उसको सर्व समीका कहते हैं। एक उदाहरण, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। यहां पर आप देखेंगे कि a और b के प्रत्येक मान के लिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आपको बराबर मिलेंगे। अर्थात ये एक ऐसा बीजी व्यंजक है जिसमें इनमें प्रयुक्त होने वाली राशि के सभी मानों के लिए ये बीजी व्यंजक सत्य होता है तब इसको सर्व समीका कहते हैं। a और b के प्रत्येक मान के लिए सत्य है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू सेवन, तो हम पाते हैं a इज इक्वल टू टू और b इज इक्वल टू फाइव के लिए ये सत्य है, या a इज इक्वल टू फाइव b इज इक्वल टू के लिए सत्य है, या a इज इक्वल टू थ्री b इज इक्वल टू फोर के लिए सत्य है। इसी प्रकार से कुछ पर्टिकुलर मान के लिए ये सत्य होगा। a और b के प्रत्येक मान के लिए ये सत्य नहीं हो रहा है, कुछ विशेष मान के लिए सत्य हो रहा है। तो इसलिए इस बीजी व्यंजक को समीकरण कहते हैं। ध्यान देंगे, ये एक सर्व समीका हुआ और ये एक समीकरण हुआ। समीकरण क्या होता है कि ऐसा बीजी व्यंजक होता है जिसमें उसमें प्रयुक्त होने वाली चर राशियों के विशेष मान के लिए ये सत्य होता है, सभी मान के लिए सत्य नहीं होता है। जबकि सर्व समीका उसमें प्रयुक्त होने वाले राशियों के सभी मान के लिए सत्य होता है। तो ये सर्व समीका और समीकरण में अंतर हुआ। ठीक उसी प्रकार से त्रिकोणमिति सर्व समीका होती है जिसमें वो थीटा के प्रत्येक मान के लिए सत्य होते हैं, इसलिए उसको आधारभूत सर्व समीका के नाम से जानते हैं। त्रिकोणमिति में आधारभूत सर्व समीका कहते हैं। आधारभूत सर्व समीकाएं, तो आगे की विषय वस्तु में हम आधारभूत सर्व समीकाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। इसको ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। मान लेते हैं कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें से बी कोण समकोण और सी एक न्यून कोण थीटा है। माना कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें जिसमें कोण B इज इक्वल टू 90 और कोण C इज इक्वल टू थीटा है, न्यून कोण है। तो इस समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय इस्तेमाल करते हैं। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय होता है, जैसे समकोण त्रिभुज में देखिए इस भुजा को कर्ण कहते हैं, ये एबी भुजा लंब हुआ और बीसी भुजा आधार हुआ। तो पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहां पर लंब का वर्ग
धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, ये समीकरण नंबर एक हो गया। इसके पश्चात क्या करेंगे कि इस समीकरण को हम इसको चेंज कर देते हैं इस त्रिभुज के हिसाब से। तो लंब मतलब AB का वर्ग, आधार अर्थात BC का वर्ग और कर्ण अर्थात AC का वर्ग, इसको समीकरण एक कहिए, इसी को कहिए समीकरण। समीकरण एक, समीकरण एक में AC स्क्वायर का भाग देने पर आप इस समीकरण एक में AC स्क्वायर का भाग दे दीजिए तो आपको मिलेगा AB का स्क्वायर अपान AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपान AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर अपान AC का स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और पूरे स्क्वायर को एक साथ लिख लीजिए, AB अपान AC का होल स्क्वायर, इसी प्रकार से BC अपान AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन। अब इस समकोण त्रिभुज से देखिए AB को क्या कहते हैं, लंब। ये हो गया लंब, AC को कहा कहते हैं कर्ण, लंब बटे कर्ण का स्क्वायर हुआ। इसी प्रकार से BC कहलाता है आधार भुजा और AC कहलाता है कर्ण भुजा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन। और हम जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है वो साइन थीटा होता है, तो ये मिला आपको साइन थीटा, स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, और आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा, स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो ये समीकरण आधारभूत सर्वसमिका का पहला समीकरण कहलाता है, इसको विशेष ध्यान में देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। इसको ट्रांसफर करके पक्षांतर करके आप इस तरीके से भी उपयोग कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा के रूप में भी इस सर्वसमिका का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके पश्चात हम देखेंगे दूसरे नंबर का आधारभूत सर्वसमिका। तो इसके लिए ये सब सेम रहेंगे, ये समीकरण एक में एसी के जगह बीसी स्क्वायर से भाग देने पर कर दीजिए, बीसी स्क्वायर से भाग दे दीजिए। बीसी स्क्वायर से भाग दे दीजिए, एबी स्क्वायर अपान बीसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर अपान बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी स्क्वायर अपान बीसी स्क्वायर। इसको एक साथ लिख लीजिए, एबी अपान बीसी का कंप्लीट स्क्वायर प्लस बीसी अपान बीसी का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू एसी अपान बीसी का कंप्लीट स्क्वायर, कैंसिल हो गया ये। अब देखिए एबी को इस चित्रानुसार हम इसको क्या कहते हैं, एबी हुआ लंब, लंब और बीसी हुआ आधार का होल स्क्वायर और कैंसिल हो जाएंगे, वन के स्क्वायर वन हुए और एसी हुआ कर्ण और बीसी हो गया आधार कंप्लीट स्क्वायर। अब आगे देखेंगे इज इंप्लाई दैट लंब बटे आधार जो होता है वो टेन थीटा स्क्वायर है, तो यहां पर टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, कर्ण बटे आधार होता है सेक थीटा स्क्वायर है इसलिए सेक स्क्वायर थीटा, ये आधारभूत सर्वसमिका नंबर दो कहलाता है। इसको भी आप
पक्षांतर करके, ट्रांसफर करके दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, अर्थात लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, या सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रांसफर करके टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन के रूप में भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और ये सरस्वामी का, इसलिए थीटा के प्रत्येक मान के लिए सत्य होंगे, इस बात को विशेष ध्यान देंगे। तीसरे नंबर के सरसमीका को ज्ञात करने के लिए हम ए बी स्क्वायर से समीकरण एक को भाग देते हैं, तो यहाँ पर केवल परिवर्तन कर देंगे, समीकरण एक में ए बी स्क्वायर से भाग दे देंगे, तो आपको तीसरे नंबर का सरसमीका ज्ञात हो जाएगा। ए बी स्क्वायर से भाग देते हैं, ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। दिस इंप्लाई दैट ए बी ए बी कैंसिल हो जाएगा, वन के स्क्वायर वन हुआ, और BC एक साथ कर लीजिए, BC अपॉन AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहां पर AB का स्क्वायर, सॉरी AC अपॉन AB का होल स्क्वायर इज इंप्लाई दैट वन इज प्लस BC भुजा आधार भुजा हुआ आधार, और ए बी जो हुआ वो लंब भुजा हुआ, आधार बटे लंब का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी कर्ण, और ए बी हुआ लंब का होल स्क्वायर इज इंप्लाई दैट वन प्लस आधार बटे लंब, ये होता है कॉट थीटा, तो ये हो जाएंगे कॉट स्क्वायर थीटा, और कर्ण बटे लंब होता है कोसेक थीटा, तो ये हो जाएंगे कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आधारभूत सर्वसमीकरण नंबर तीन कहलाता है, और इसको भी आप लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन के रूप में भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, या कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन के रूप में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तीनों समीकरण जो हमने आपको अध्ययन किए हैं, अध्ययन करवाए हैं, वो आधारभूत त्रिकोणमिति सरसमीका कहते हैं। साथ ही साथ और भी सरसमीकाएं हैं जिसका अध्ययन हम पहले कर चुके हैं, जैसे टैन थीटा इज इक्वल टू, पिछले पीरियड में हम कर चुके हैं टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और रिसिप्रोकल फार्मूला व्युत्क्रम फार्मूला भी आपने देखा है, इनवर्स फार्मूला साइन थीटा इज इक्वल टू वन अपान कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा इक्वल टू वन अपान साइन थीटा, इसी प्रकार से कॉस थीटा इक्वल टू वन अपान सेक थीटा, और टैन थीटा इज इक्वल टू वन अपान कॉट थीटा, इस प्रकार से जितने भी इनवर्स फार्मूले हैं उनको आप भी सर्वसमीका के रूप में हम इस्तेमाल करके जो सर्वसमीकाएँ हैं उसको हम हल कर सकते हैं। तो आगे के विषय वस्तु हम देखते हैं सर्वसमीका को सिद्ध करने, सर्वसमीका को हम सिद्ध करेंगे, और कैसे सिद्ध करेंगे, इसी आधारभूत सर्वसमीकाओं का इस्तेमाल करते हुए और उसमें गणितीय संक्रिया लगाते हुए हम सभी सर्वसमीकाओं को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। शुरू में हम छोटी छोटी सरल सरल सर्वसमीका अभ्यास के लिए लेंगे, और बाद में फिर कुछ जटिल सर्वसमीकाओं का भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे।
एक छोटा सा सर्वसमिका है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि साइन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये सर्वसमिका है। तो किसी भी सर्वसमिका को अध्ययन करने के लिए या उसको सॉल्व करने के लिए हम कोई भी एक पक्ष लेते हैं जो आपको आसानी हो, इस एक पक्ष को लेकर दूसरे पक्ष में जाने में आसानी हो, ऐसे पक्ष को लेते हैं। तो हम यहाँ पर बायां पक्ष लेंगे, बायां पक्ष इस सर्वसमिका का बायां पक्ष लेंगे। बायां पक्ष इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर में इसको हल करेंगे तो ये मिलेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और देखिए इन दोनों दो पहले स्टेप में, फर्स्ट दो स्टेप का पद का सर्वसमिका नंबर एक क्या कहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, इसका उपयोग यहाँ पर कर लेंगे तो ये हो जाएंगे वन प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइड में चाहो तो लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, और यही इसका दायां पक्ष है। इस प्रकार से यहाँ पर एक सर्वसमिका प्रयोग हुआ, एक बीजी सर्वसमिका भी इस्तेमाल हुआ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और आधारभूत त्रिकोणमितीय सर्वसमिका का भी यहाँ पर प्रयोग हुआ है। दूसरा नंबर का प्रश्न देखेंगे हम, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। आप इस प्रश्न को देखकर ऐसे मत चौंकिए कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है, इंटू है। ये सर्वसमिका का इस्तेमाल करके आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसको हल करने के लिए हम इस सब सर्वसमिका का बायां पक्ष को लेते हैं। बायां पक्ष इज इक्वल टू, बायां पक्ष को पूरा लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। देख लिए इसका व्युत्क्रम फार्मूले पर हम जाएंगे, इनवर्स फार्मूले पर जाएंगे। सेक स्क्वायर थीटा होता है वन अपान कॉस स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा होता है वन अपान साइन स्क्वायर थीटा। फिर आगे बढ़ते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं, बीजी पदों का योग करते हैं, तो ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और आपको ऊपर में मिलेगा, अंश में मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान वन होता है, तो इसकी जगह वन रख देंगे, वन अपान साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। पुनः आगे बढ़ते हैं, दोनों स्टेप को अलग अलग कर लेते हैं, दोनों पदों को अलग अलग कर लेते हैं, तो वन अपान साइन स्क्वायर थीटा इंटू वन अपान कॉस स्क्वायर थीटा। फिर इसका व्युत्क्रम फार्मूला पर आते हैं, वन अपान साइन स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, और वन अपान कॉस स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और यही आपका राइट हैंड साइड है। इस प्रकार से, या यही आपका दायां पक्ष है, इस प्रकार से आप बाएं पक्ष को लेकर और उसमें सर्वसमिका का इस्तेमाल करके गणितीय संक्रिया लागू करके आप आसानी से इस सर्वसमिका को सिद्ध कर सकते हैं। फिर इसी प्रकार से देखेंगे और भी सर्वसमिकाएं हैं। हम शुरुआत में, जैसे कि मैंने कहा, हम छोटी छोटी सर्वसमिकाओं का अभ्यास पहले करेंगे, और जब हम आधारभूत सर्वसमिकाओं का प्रयोग करना सीख जाएंगे, हमको अभ्यास में वो आ जाएगा, फिर हम कुछ जटिल सर्वसमिकाओं का भी अध्ययन करेंगे। तो आगे देखते हैं, टेन फोर पावर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक फोर पावर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इस सर्वसमिका को हल करेंगे तो इसके हल करने के लिए ठीक उसी प्रकार से
हम इसका बायां पक्ष लेंगे, बायां पक्ष इज इक्वल टू टेन फोर पावर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दोनों में से टेन स्क्वायर कॉमन है तो दोनों पदों में से हम टेन स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेते हैं, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन हो जाता है। और सर्व समीकरण नंबर दो आप जानते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ब्रैकेट में जो राशि है उसको हम सेक स्क्वायर थीटा प्रयोग कर सकते हैं। पुनः देखिए इस टेन स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन पुनः लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के रूप में पुनः इस्तेमाल कर लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इनटू सेक स्क्वायर थीटा, फिर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए सेक स्क्वायर थीटा का, तो सेक 4 घात थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और आप देखते हैं यही आपका दायां पक्ष है। इस प्रकार से ये सर्व समीकरण का प्रमाण आप कर पाते हैं या प्रूफ कर लेते हैं। इसी प्रकार से एक छोटा सा सर्व समीकरण और लेते हैं, वन अपान वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपान वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वन अपान वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। बहुत ही सरल सा ये सर्व समीकरण है, इसको हल करने के लिए इसका बायां पक्ष इस्तेमाल करते हैं, बायां पक्ष बराबर वन अपान वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन अपान वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सरल समीकरण नंबर दो और तीन का इस्तेमाल करेंगे, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो पहले पद में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो इसका प्रयोग यहाँ पर हम कर लेंगे। फिर आगे देखते हैं इसका व्युत्क्रम फार्मूला पर, यह हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा और ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। पुनः सर्व समीकरण नंबर एक से यहाँ पर देखिए तीनों सर्व समीकरण इस्तेमाल हो रहे हैं, ये वन हो जाते हैं, ये पहला नंबर का सर्व समीकरण हुआ, ये दूसरा ये तीसरा, तीनों सर्व समीकरण का इस्तेमाल एक साथ होता है और यही आपका दायां पक्ष है। इस प्रकार से आप सर्व समीकरणों का उपयोग करके जटिल सर्व समीकरण को बहुत आसानी से आप उसको प्रूफ कर सकते हैं। कुछ और सर्व समीकरणों के विषय में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपन वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। इस सर्व समीकरण को सॉल्व करने के लिए इसका भी बायां पक्ष लेते हैं, तो बायां पक्ष बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपन वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सर्व समीकरण नंबर दो और तीन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, इस रूप में प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर फिर इसका इन्वर्स फार्मूला पर आते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं वन अपान कॉस स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं वन अपान साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा अपान वन, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है टेन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से यही इसका दायां पक्ष है। ठीक इसी प्रकार थोड़ा से अब कठिन सर्व समीकरण की ओर आगे बढ़ते हैं,
देखिए बहुत ही बढ़िया, कोसेक 6 पावर थीटा माइनस कॉट 6 पावर थीटा इज इक्वल टू 1 + 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 1 + 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए दिखने में तो बड़ा अजीब आर लग रहा है, लेकिन जब इसको हम सॉल्व करेंगे और कुछ सरल समीकरणों का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए इसका बायां पक्ष इस्तेमाल करते हैं। बायां पक्ष लेने पर बायां पक्ष इज इक्वल टू कोसेक 6 पावर थीटा माइनस कॉट 6 पावर थीटा। यहां पर थोड़ा देखिए, इसको इस तरीके से रीअरेंज कीजिए, कोसेक 6 पावर है और घातांक के नियमों का इस्तेमाल करके इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा का पावर ऑफ 3, इसी प्रकार से कॉट स्क्वायर थीटा का पावर ऑफ 3। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि आपको मालूम है कोसेक और कॉट के बीच में आपको संबंध होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसलिए इसको इस तरीके से रीअरेंज कर लिए ताकि आपको जब इसकी सरल समीकरण का इस्तेमाल करेंगे तो आसानी से वो रिजल्ट की ओर हम आगे बढ़ सकें। अब एक सरल समीकरण होता है, मैं साइड में लिख रहा हूँ सरल समीकरण को, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ध्यान देंगे इस सरल समीकरण का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी का होल क्यूब और 3ab। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस ए 3ab और ये ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, 3 + 3ab इंटू ए माइनस बी होता है। इस्तेमाल करें इस सरल समीकरण का, ए यहां पर ये ए हुआ और ये कोष्टक आपका बी हुआ, ए माइनस बी अर्थात कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो यहां पर इसका पूरे का पावर 3 + 3 ए का मान रख दीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू बी कॉट स्क्वायर थीटा और ए माइनस बी, तो यहां पर मिल जाएंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, 1 का पावर 3 + 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा पुनः 1 हो गया। तो आप देखते हैं कितने आसानी से आप 1 + 3 कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा प्रूफ कर पाते हैं। दूसरे तरीके से सोचेंगे तो आपको इसको प्रूफ करने में जटिलता होगी, और यही आपका दायां पक्ष है। ठीक इसी प्रकार कुछ और सरल समीकरण लेते हैं, कोसेक ए, देखो अभी तक हम थीटा चल रहे थे, अब ए आ गया तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा हो बीटा हो थीटा हो ए हो, वो केवल एक न्यून कोण है समकोण त्रिभुज का, कोसेक ए अपान कोसेक ए माइनस 1, इसी प्रकार से प्लस कोसेक ए अपान कोसेक ए प्लस 1 इज इक्वल टू 2 sec² a। ये हमको प्रूफ करना है, इसके प्रूफ करने के लिए हम इसका
बायां पक्ष लेंगे, बायां पक्ष बराबर कोसेक ए अपान कोसेक ए माइनस वन प्लस कोसेक ए अपान कोसेक ए प्लस वन। हम इन दोनों पदों में हम देखते हैं कि इसके अंश में कोसेक ए उभयनिष्ठ है, तो दोनों पदों के अंश से कोसेक ए को कॉमन ले लेते हैं, उभयनिष्ठ ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, तो वन अपान ये मिलेगा कोसेक ए माइनस वन प्लस वन अपान कोसेक ए प्लस वन आपको प्राप्त होगा। क्लोज कर दीजिए ब्रैकेट को। पुनः आगे कोसेक ए, इसको ब्रैकेट को हल करते हैं, दोनों को हल करेंगे एलसीएम लेंगे तो क्या होंगे, ये हो जाएंगे कोसेक ए माइनस वन इंटू कोसेक ए प्लस वन, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो जाएगा, तो कोसेक ए प्लस वन और इनका मल्टीप्लिकेशन ऊपर हो जाएगा कोसेक ए माइनस वन, प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। पुनः देखिए कोसेक ए कोसेक ए टू कोसेक ए, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होके टू कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, पहले ऐड होगा फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये हो जाएगा टू कोसेक स्क्वायर ए और अपान, यहाँ पर भी एक सर्वसमी का इस्तेमाल करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपको मिलेगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस वन। पुनः यहाँ तक हमने आगे आ लिए, इसके बाद देखिए सर्वसमीकरण नंबर तीन कोसेक स्क्वायर माइनस वन होता है कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर टू कोसेक स्क्वायर ए अपान आपको मिलेगा कॉट स्क्वायर ए। फिर थोड़ा सा देखिए इसके व्युत्क्रम फार्मूला पर आते हैं, कोसेक स्क्वायर ए को लिखते हैं वन अपान साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए हो जाएंगे, ऊपर जाके आपको मिल जाएगा टेन स्क्वायर ए, व्युत्क्रम फार्मूला पर आते हैं टेन स्क्वायर ए। पुनः देखें टू इंटू वन अपान साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर को साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। फिर व्युत्क्रम फार्मूला पर आते हैं, वन अपान कॉस स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर हो जाएंगे, इसलिए टू सेक स्क्वायर हो जाएंगे, टू टू सेक स्क्वायर ए और यही आपका दायां पक्ष है। तो बहुत ही सरलता से आप आधारभूत सर्वसमिकाएं और गणितीय संक्रियाओं को उपयोग करके आप सर्वसमिका के दायां पक्ष को लेकर बायां पक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। फिर देखते हैं आगे और हल करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण सरसमीकाओं के विषय में और चर्चा करेंगे। थोड़ा सा कठिन सर्वसमिका को लेते हैं, टेन ए अपान वन माइनस कॉट ए, टेन ए अपान वन माइनस कॉट ए, सेकेंड स्टेप प्लस कॉट ए अपान वन माइनस टेन ए, कॉस ए अपान वन माइनस टेन ए इज इक्वल टू सेक ए इंटू कोसेक ए, सेक ए इंटू कोसेक ए प्लस वन आपको प्रूफ करना है।
इसको भी हल करने के लिए इस सर्वसमीकरण का हम बायां पक्ष इस्तेमाल करेंगे, बायां पक्ष। बायां पक्ष को लिख देते हैं tan a अपान 1 प्लस cot a प्लस cot a अपान 1 माइनस tan a। यहां पर tan cot जितना भी है उसको sin cos के रूप में परिवर्तन कर लेंगे। tan a बराबर sin a अपान cos a और cot a बराबर cos a अपान sin a में परिवर्तन कर लेंगे। tan a बराबर sin a अपान cos a, नीचे लिख देते हैं cos a, 1 माइनस cot a बराबर cos a अपान sin a। इसी प्रकार से दूसरे चरण में, दूसरे पद में cos a अपान sin a, 1 माइनस sin a अपान cos a। फिर देखते हैं, इसको हल करते हैं। यहाँ जो कोष्टक है, छोटा कोष्टक, उसको हल कर लेते हैं। साइन ए अपान कॉस ए, तो ये कितने हो जाएंगे, साइन ए माइनस कॉस ए अपान साइन ए। इसी प्रकार से प्लस कॉस ए अपान साइन ए, कोष्टक के अंदर कॉस ए माइनस साइन ए अपान कॉस ए। अब देखिए, ये साइन ए ऊपर चला जाएगा तो ये साइन स्क्वायर ए हो जाएंगे। ये साइन ए इंटू ग्रुप में है, ऊपर चला जाएगा तो ऊपर मिलेंगे साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए, कोष्टक में साइन ए माइनस कॉस ए, कोष्टक बंद। प्लस इसी प्रकार से ये कॉस ए ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर ए अपान साइन ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, कोष्टक ऑफ। अब देखते हैं दोनों पदों में क्या सिमिलरिटी है। यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस है और यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए, तो चिन्हों के साथ, ऋण चिन्ह के साथ यहाँ पर साइन ए माइनस कॉस ए को दोनों पदों से उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो दोनों पदों से हम देखो, हर में ले रहे हैं, डिनोमिनेटर में ले रहे हैं, तो वन अपान लिख देंगे साइन ए माइनस कॉस ए, कॉमन ले लेंगे डिनोमिनेटर से, दोनों पदों से कॉमन ले लिए इस प्रकार से। और इसको कोष्टक में, बड़े कोष्टक में लिखते हैं, आपको मिलेंगे साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए, साइन स्क्वायर ए अपान कॉस ए। और चूंकि आपने साइन ए माइनस कॉस ए लिए, तो यहाँ से माइनस साइन बाहर आएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर ए अपान साइन ए। इस तरीके से इसको हल कर लिए। पुनः देखिए, वन अपान साइन ए माइनस कॉस ए, बड़े कोष्टक के अंदर इसको हल करेंगे, इसका एलसीएम मिलेंगे साइन ए इंटू कॉस ए, इसका बड़े इसके साथ हो जाएगा, तो साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए, कोष्टक ऑफ। फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा से, वन अपान साइन ए माइनस कॉस ए। देखिए यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे सर्वसमीका, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब ए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस प्रकार से हो जाएंगे साइन ए माइनस कॉस ए इंटू ए स्क्वायर अर्थात साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन ए कॉस ए, इस प्रकार से इस्तेमाल कर लेंगे, बटे साइन ए इंटू कॉस ए। देखिए
ये भी ब्रैकेट में है, इनटू ग्रुप में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वन होता है। तो आप इसको आगे लिख लेंगे, वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए बटे साइन ए इंटू कॉस ए। दोनों पदों को अलग अलग कर दीजिए, तो वन अपान साइन ए इंटू कॉस ए और प्लस साइन ए इंटू कॉस ए अपान साइन ए इंटू कॉस ए, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। और फिर व्युत्क्रम फार्मूले से उसके ऊपर ले जाएंगे तो वन अपान कॉस ए होता है सेक ए, ये हो जाएगा सेक ए, और वन अपान साइन ए होता है कोसेक ए इंटू कोसेक ए प्लस वन, यही आपका दायां पक्ष है। इस प्रकार से आप कुछ जटिल सरल समीकरणों को भी सरल समीकरण का इस्तेमाल करके बहुत ही सरलता से आप उसको सिद्ध कर सकते हैं। फिर आते हैं एक ऐसी सरल समीकरण जिसको आप पिछले कक्षाओं में भी हल कर चुके हो और काफ़ी महत्वपूर्ण है ये सरल समीकरण, उसका भी यहाँ पर अध्ययन करेंगे। रूट ओवर वन प्लस साइन ए अपान वन माइनस साइन ए इज इक्वल टू वन प्लस साइन ए अपान कॉस ए, और लास्ट में आपको मिलेगा सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए। देखिए इस सरल समीकरण में एक विशेषता है कि तीन पदों में इसको आपको सिद्ध करना है। पहले ये लेंगे, फिर मिडिल प्रूफ करेंगे, मिडिल से फिर लेफ्ट राइट साइड प्रूफ करेंगे। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, मिडिल प्रूफ करेंगे, मिडिल के बाद राइट साइड प्रूफ करेंगे, ये इसकी विशेषता है। तो स्टार्ट करते हैं इसको हल करने के लिए, सबसे पहले इस सरल समीकरण का बायां पक्ष ले लेते हैं। बायां पक्ष इज इक्वल टू रूट के कंप्लीट रूट के अंदर इस चीज को ध्यान देंगे विद्यार्थी, वन प्लस साइन ए अपान वन माइनस साइन ए। शुरुआत यहां से करें, रूट के अंदर हर का परिमेयकरण कर लेते हैं, रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, तो वन प्लस साइन ए अपान वन माइनस साइन ए इंटू करके इसका रेसिप्रोकल कर लेते हैं, वन प्लस साइन ए का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पदों में कर देते हैं साइन ए। फिर देखिए रूट ओवर वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हुआ, और यहाँ पर ए प्लस बी ए माइनस बी सूत्र का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर आगे देखते हैं वन प्लस साइन ए स्क्वायर और वन माइनस साइन स्क्वायर होते हैं कॉस स्क्वायर ए, सरल समीकरण नंबर एक। फिर देखिए एक साथ इसको लिख लेते हैं, वन प्लस साइन ए एक साथ इसको कर लेते हैं अपान कॉस ए का होल स्क्वायर, रूट और पावर कैंसिल हो जाएंगे, वन प्लस साइन ए अपान कॉस ए कॉस ए, ये मिडिल स्टेप आपका मिल गया, आपको वन प्लस साइन ए अपान कॉस ए मिल गया। फिर देखिए फिर आगे बढ़ते हैं तो अलग अलग कर लीजिए, वन अपान कॉस ए प्लस साइन ए अपान कॉस ए, और पहले स्टेप में
व्युत्क्रम फार्मूला से, इन्वर्स फार्मूला से ये हो जाएगा sec a और इंटू प्लस टेन ए। तो यही आपका दायां पक्ष है। तो आप देखते हैं कि बायां पक्ष को लिया, बीच वाले पक्ष को आपने प्रूफ किया, ये लाइन बीच वाले पक्ष है, और पुनः आगे बढ़ाते हुए आप दायां पक्ष का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह का, इस प्रकार से आप त्रिकोणमिति सरसमीका को बड़े आसानी से हल कर लेते हैं। तो आज के इस पीरियड में इतना ही है। आगे नेक्स्ट डे देखेंगे इसके अगले विषय वस्तु पर। धन्यवाद।